हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे आपको पता है DSSB की जूनियर असिस्टेंट ग्रेड फोर द स्टैनो LDC में जो इस बार कंप्यूटर का सेक्शन भी आएगा, तो यहाँ पे क्या मैं कुछ आपको कंप्यूटर की एक प्लेलिस्ट बना दूँ ताकि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे वो। ठीक है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे प्रीवियस ईयर का दिल्ली पुलिस का पेपर है वैसे तो ये, ठीक है, मुझे ऑनलाइन मैंने ढूंढा था तो मुझे मिल गया। मैंने बहुत सारे पेपर में से कंप्यूटर का सेक्शन कट कर लिया है। इससे क्या होगा, जैसे जो जो क्वेश्चन इसमें आए हो सकता है वो उसमें भी आए, फिर भी आपको काफ़ी नॉलेज इनसे मिल जाएगी, तो इन्हें देख के आप अपना मतलब पेपर कर सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे देखो, ये हिंदी में मुझे मिला था, मैंने गूगल ट्रांसलेट की वजह से मतलब गूगल ट्रांसलेट से इसे इंग्लिश में भी करा है, पर इंग्लिश में ना कुछ कुछ थोड़ा मतलब जब ये हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ थोड़ा गलत भी हुआ है। ठीक है, वो मैं आपको बता दूँ, जो अब मैं बायलैंग्वेज में समझा दूँ इससे दोनों बंदों को समझ आ जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना अगर इच्छा है तो। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। इन MS Excel 2007 हाउ मैनी वर्कशीट आर देयर बाई डिफॉल्ट, मतलब MS Word 2007 में कितनी जो शीट होती हैं वो बाय डिफॉल्ट आती है, मतलब पहले से आती है। मैंने यहाँ पे एक्सेल खोला, एक्सेल की शॉर्टकट की क्या है, विंडो के साथ हम आर दबाएंगे, विंडो का बटन और प्लस में आर, विंडो आर से क्या आ गया, रन आ गया। मुझे यहाँ पे डालना है EXCEL, एक्सेल जैसे मैं डालूंगा तो मैं ओके करूँगा तो एक्सेल यहाँ पे खुल जाएगा। आप देख सकते हो मैंने एक्सेल पहले से ही खोल रखा है, थोड़ा सा जब स्क्रीन स्क्रीन रिकॉर्ड होता है उसमें थोड़ा सा टाइम ले लेता है, तो मैं फिलहाल मैं यही वाला एक्सेल खोल लेता हूँ। चलो वो कोई नहीं, खुल गया वैसे तो। ठीक है, मैं इसे काट देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या है। बाय डिफॉल्ट देखो ये होती है शीट हमारी, शीट 1 शीट 2 शीट 3, बाय डिफॉल्ट हमेशा 3 शीट आती हैं। ठीक है, MS Word 2007 लिखा हो, 2010 लिखा हो, 2013 लिखा हो, 2016 लिखा हो, 2019 लिखा हो, 2021 लिखा हो, सब में जो बाय डिफॉल्ट होती है वो 3 की 3 आती है। आगे का पता नहीं, इसके बाद मतलब आगे अभी तक आया नहीं। ठीक है, तो मेरे पास नहीं आया। ठीक है, इससे वैसे जनरली 3 ही होती है, तो 3 इसका बाय डिफॉल्ट आंसर क्या है कि 3 3 शीट होती है, तो यहाँ पे भी 3 ही लिखा है। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अगला सवाल देखते हैं। इन MS Word 2007, ठीक है सेम है सब सबके लिए, उन 2010 2011 2000 ऐसे करके सारे जितने भी हैं, 11 आया नहीं है वैसे। ठीक है, इन MS Word 2007 द फॉन्ट साइज ऑफ 36 पॉइंट इज इक्वल टू हाउ मैनी इंचेस। ठीक है, मतलब कि भैया दो जो मतलब 2007 है, मैंने बताया सबके लिए सेम है कि जो फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज क्या होता है, देखो ये यहाँ पे होता है फॉन्ट का पूरा टाइप। इसमें क्या होगा, यहाँ ये होगा यहाँ पे फॉन्ट साइज। मान लेते हैं मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, मैंने लिखा यहाँ पे शुभम ही ले लेते हैं। ठीक है, मैंने ये लिखा, अगर मैं इसका जो साइज है वो 36 कर दूँ, यहाँ पे 36 है। ठीक है, अब मैं इसका साइज 36 कर देता हूँ तो ये कितने इंच में हो गया, तो ये यहाँ पे आधा इंच हो गया। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इससे आप मतलब आप 72 से कह सकते हैं 1 इंच हो गया 72 में। ठीक है, अब ऐसे करके आप इस आपको कैलकुलेशन यहाँ पे करनी पड़ेगी, ये आपको रट्टा ही मानना पड़ेगा, इसमें और कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, इसी में मैं आपको दो चार चीज़ें और बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, जो इसमें अगर वहाँ पे ये सवाल आए कि हम मिनिमम कितना फॉन्ट साइज कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट, मतलब जो यहाँ पे जो रेंज होती है इसमें भी मिनिमम हम कर सकते हैं 8 और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं 72, इस रेंज के हिसाब से क्या मैं मैनुअली टाइप कर सकता हूँ। हाँ, इसका जवाब है हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। मान लेते हैं मैंने एक टेक्स्ट लिखा ए, मैं चाहता हूँ ये 8 हो जाए तो 8 हो गया, मैं चाहता हूँ 8 से भी कम हो जाए, मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, मैं चाहता हूँ 8 से भी कम हो जाए, मैंने सिलेक्ट करा यहाँ से और मैंने यहाँ पे मैनुअली टाइप कर दिया 1। ठीक है, 1 हो सकता है, 1 में तो बिल्कुल ही गायब हो गया, बात अलग है। ठीक है, 1 में दिखेगा भी नहीं। ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। ठीक है, तो इतना हमें नहीं करना है। ठीक है, तो 1 हो गया, वापस मैं से 8 कर सकता हूँ। ठीक है, अब आप देख सकते हैं मैं यहाँ से वापस 8 9 10 12 जो भी मुझे करना है वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। मैक्सिमम यहाँ पे 172 है। ठीक है, मैं इसे कितना मैक्स कर सकता हूँ, सवाल ये है कितना मैक्स कर सकता हूँ, नीचे कमेंट करके आप बता देना। मैं 2 सेकंड का पोज देता हूँ, 1 और 2। अब ठीक है, मैं बता देता हूँ कितना आप इसे लास्ट कर सकते हो। आप इसे कर सकते हो 1638, इससे ज़्यादा ये नहीं हो सकता है। ठीक है, 1638 मैक्स है, 1639 नहीं होगा, 39 करते देखते क्या आता है। ठीक है, 39 करके इसने मुझे बताया द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 and 1688 1638, तो इनके बीच में मैं इनका साइज छोटा या बड़ा कर सकता हूँ, तो मैं इससे ज़्यादा छोटा या 1 से छोटा और 1638 से बड़ा मैं नहीं कर सकता। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जूम की, देखो ये होता है जूम यहाँ पे। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जूम। ठीक है, अब जूम, इसमें जूम का भी सवाल आ जाता है, कोई कहता है जूम में मिनिमम जूम कितना हो सकता है, तो मिनिमम यहाँ पे 10% जूम हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम यहाँ पे 500% हो सकता है। ठीक है, और क्या नाम है, क्या ये MS Excel में भी सेम है, नहीं, MS Excel में क्या होता है मिनिमम क्या होता है 10 और मैक्सिमम होता है 400। ठीक है, 400 से ऊपर नहीं जाएगा उसमें। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, ये वाला सवाल भी यहाँ पे आ जाता है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे क्या है।
इन एम एस वर्ड 2007 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन ऑफ मेन्यू बार, मतलब मेन्यू बार का ऑप्शन कौन सा इनमें से नहीं है। ये इंसर्ट लिखा है, ठीक है, मैं आपको हिंदी में दिखा देता हूँ, ठीक है, ये इंसर्ट लिखा है, गलती से वो हो गया गूगल ट्रांसलेट ने जो करा है, अगले मतलब लास्ट ही पहले ही पेपर किया था ये, अब नहीं करूँगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा है होम, इंटरनेट और पेज लेआउट। अभी क्या क्या रहा है, मैंने एम एस वर्ड खोला, एम एस वर्ड की शॉर्टकट की क्या है, ठीक है, एम एस वर्ड की शॉर्टकट की है यहाँ पे विंडो आर ई विन वर्ड WIN WORD ही हमारा एम एस वर्ड होता है। एम एस वर्ड मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सवाल क्या था, सवाल भूल गया मैं, ठीक है। हाँ, सवाल ये था कि भैया इसमें से कौन सा ये होता है टैब हमारे, ठीक है, ये वाले ऊपर वाले होम इंसर्ट ड्रॉअर डिजाइन लेआउट रेफरेंस मेलिंग रिव्यू व्यू, इसमें से कौन सा टैब नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ साफ ही वैसे आंसर पता चल रहा है, इंसर्ट का तो है, होम भी है, इंटरनेट नहीं है, पेज लेआउट भी है। पेज लेआउट यहाँ पे क्या है, पेज लेआउट वैसे ही है, ये 2007 में पेज लेआउट के नाम से था, फिर उसके बाद 2010 में भी पेज लेआउट के नाम से था, फिर 2013 के बाद से इसे लेआउट बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला सवाल है, ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं है। अब मान इसे हम कहते हैं जो ये वाला, इसे तो हमने कह दिया टैब होम इंसर्ट, इसके अंदर जो ये ऑप्शन होते हैं भाई, ये जो ऑप्शन है इसे हम कहते हैं क्या, इस पूरे डब्बे को इसे हम कहते हैं रिबन, RIBBON। इसकी एक शॉर्टकट की होती है इसे गायब करने की, Ctrl+F1 हम इसे कर देंगे तो गायब हो जाएगा, Ctrl+F1 करेंगे शो हो जाएगा, शो राइट, कंट्रोल प्लस में F1 जो ऊपर होती है फंक्शन की, जो 12 बटन होते हैं F1 F2 F3 वो वाली, कंट्रोल F1, ठीक है। इसमें एक फॉर्मूला और होता है इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ये क्या होता है, ये रैंडम होता है, इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, मैंने क्लिक करके एंटर करा तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ पैराग्राफ मुझे आ जाएंगे, जो कि एम एस वर्ड बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड कराता है कि भाई एक फॉर्मूला डालो कुछ पैराग्राफ अपने आप आ जाएंगे। इससे फायदा क्या होगा, मान लेते कोई बिगनर है अगर वो सीख रहा है कुछ तो उसे यहाँ पे सारे ऑप्शन से वो सीख सकता है, मतलब कोई ऑप्शन चलाना मुझे बोल्ड देखना है इटैलिक अंडरलाइन वगैरह, तो ये है मान लेते हैं बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन मुझे कुछ भी करना है, बोल्ड की शॉर्टकट की क्या होती है कंट्रोल बी, इटैलिक की क्या होती है कंट्रोल आई, और उसकी क्या होती है अंडरलाइन की कंट्रोल यू, ठीक है। कॉपी पेस्ट आपको पता होगा, कोई नहीं एक बाद में बताऊंगा, अभी तो काफ़ी सारी वीडियो आएंगी तो उसमें आ जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन सर्विस प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब आइए ये क्या होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मतलब ये होता है ISP, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है ISP, फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, होते कौन है, जैसे कि जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं, आपको कौन इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि ब्रॉडबैंड हो गए, जियो हो गई, एयरटेल हो गई, वोडाफोन हो गई, वोडाफोन तो कह रहा है नहीं VI है, ठीक है, जो ये आपको इंटरनेट सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या ये इंटरनेट एक्सेस करने देते हैं, हाँ जी बिल्कुल करने देते हैं। क्या ये डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन भी करने देंगे, मानो आप कोई वेबसाइट बनाना चाह रहे हो बिल्कुल बना सकते हो, ठीक है, आप डायलअप सर्विस भी कर सकते हो, फोन वोन भी मिला सकते हो इनसे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, पर आप वेब गवर्नेंस नहीं कर सकते। मतलब ये क्या हो गया, मान लेते हैं आपने चाहा कि जियो के इंटरनेट पे मैं एक पर्टिकुलर वेबसाइट बंद करना चाहता हूँ, पर आप नहीं कर सकते, आप एक नॉर्मल कंज्यूमर है, ये कौन कर सकता है, ये गवर्नमेंट दे सकती है। मान लेते हैं गवर्नमेंट ने जियो को कहा भाई ये वाली वेबसाइट चलनी नहीं चाहिए, तो जियो के मतलब पूरे के पूरे उस पर वो वेबसाइट नहीं चलेगी, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, तो वेब गवर्नेंस ये आपको नहीं देगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रेफरिंग टू द वेब ब्राउजर एंड देयर वेंडर, ठीक है, मतलब ये पूछ रहा है यहाँ पे कि भैया ये यहाँ पे उन्होंने कुछ वेब ब्राउजर दे रखे हैं, उनके मालिक दे रखे हैं, ठीक है, मतलब जो भी हैं वेंडर वगैरह, ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। अगर मैं इसे हिंदी में आता हूँ तो यहाँ पे हिंदी में देख लेते हैं क्या है, ठीक है, तो हिंदी में भी सेम ही लिखा है, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर किस कंपनी का है, इंटरनेट एक्सप्लोर बताओ, आप बताओ, ये है आपका माइक्रोसॉफ्ट का, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का कैसे भाई, जब हम विंडो डालते हैं तो उसमें अपने आप बाय डिफॉल्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर आता है। ये सवाल भी हो सकता है कि आपने कोई विंडो इंस्टॉल करी तो उसमें कौन सा ब्राउजर बाय डिफॉल्ट आ गया, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर बाय डिफॉल्ट आता है, ठीक है। उसके बाद सफारी की बात करते हैं, सफारी आपको पता ही होगा एप्पल का जो ब्राउजर है उसे हम सफारी कहते हैं, ये आपको नहीं पता होगा मोजिला फायरफॉक्स, ये है सी मंकी का है मोजिला फायरफॉक्स यहाँ पे, ठीक है, तो ये यहाँ पे बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे क्या है, इसमें से अगर मैं इसे इंग्लिश में देख लेता हूँ, ठीक है, एंटर से क्या होगा, शिफ्ट टैब से क्या होगा, टैब से क्या होगा, एरो की से क्या होगा, तो यहाँ पे ये बता रहा है, ठीक है, ऑप्शन आप मैं आपको सारा समझा देता हूँ ये होता क्या है। मान लेते हैं मैं इसमें हूँ, ठीक है, अभी मैं दबा रहा हूँ एंटर, चलो मैं विंडो आर करता हूँ ओ एस के से क्या हो गया, ओ एस के से ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ जाएगा। इससे फायदा ये होगा आपको कुछ आइडिया हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं मैंने ये करा, ठीक है, मैंने एंटर करा, देखो ये नीचे जा रहा है, ठीक है, मैंने क्या नाम है यहाँ पे शिफ्ट के साथ एंटर करा, शिफ्ट दबाया यहाँ पे और प्लस में एंटर करा, तो देखो शिफ्ट के साथ एंटर दबा रहा हूँ तो ये ऊपर जा रहा है, यानी कि शिफ्ट से इसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं, ठीक है भाई, मैं यहाँ पे आता हूँ, टैब क्या करेगा, टैब इसे आगे लेके जाएगा, ठीक है, मैं इसे शिफ्ट के साथ टैब दबाऊंगा तो देखो पीछे लेके जाएगा ये, ठीक है, शिफ्ट के साथ मैंने टैब दबाया। मान लेते हैं मैं एरो की दबाता हूँ, एरो की से क्या होगा, देखो भैया एरो की से तो जहाँ पे हमने वो दबा रखा होगा साइन और ये हो गया, ठीक है, जहाँ पे,
एक कंट्रोल प्लस F1 वाली इसमें बता देता मैं आपको, पर इसमें फंक्शन की नहीं आ रही है तो इसलिए मैं बता नहीं पाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या फंक्शन की का कोई ऑप्शन है? नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, उसके बाद आप देख लेते हैं यहाँ पे अगला सवाल क्या है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे, आप इसमें से मतलब आंसर चुन लेना फिर बता देना। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं इन टेबल, इन अ टेबल इन MS Word 2007, मैंने बताया साथ सबके लिए फिलहाल के लिए सेम है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कोई अगर चेंज होगा जो अलग 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 ईयर में चेंज होगा तो वो मैं आपको पर्टिकुलर बता दूँ कि भैया 2007 में अलग है, 2013 में अलग है और 2019 में अलग है, ऐसे करके। ठीक है, ये पूछ रहा है कौन सा सेल अलाइनमेंट इसमें नहीं होता है। अब ये क्या होते हैं सेल अलाइनमेंट, क्या होते हैं? चलो भाई हम वापस से एमएस वर्ड में आ गए, हमने इसे डिलीट कर दिया। अब इसे डिलीट कैसे करेंगे? कंट्रोल प्लस में ए, कंट्रोल का बटन और प्लस में हमने ए दबाया और यहाँ से हमने डिलीट दबा दिया। डिलीट दबाने के बाद अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या होगा। मान लेते हैं मैंने एक टेबल बनाई, टेबल कहाँ पे बनेगी? इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद टेबल में आएंगे, यहाँ पे हमने एक टेबल बना ली। मान लेते हैं ये मैंने एक टेबल बनाई, ठीक है, मुझे इसका सेल बड़ा करना है, एक बड़ा कर लेता हूँ बस। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे सेल बड़ा हो गया ये वाले सेल में। मान लेते हैं मैंने यहाँ पे लिखा शुभम, ठीक है, शुभम मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो अब देख लेते हैं शुभम है अभी कहाँ पे लिखा है, टॉप में लेफ्ट की साइड लिखा है। ठीक है भैया, टॉप में लेफ्ट की साइड है। अगर मैं यहाँ पे लेआउट के टैब में आता हूँ, मान लेते हैं मुझे टॉप में ही इसे मिडल में करना है तो टॉप में मिडल में आ गया। अगर मान लेते हैं मुझे टॉप में ही इसे लेफ्ट में करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है भाई, मैं मान लेता हूँ कि मुझे इसे मिडल मतलब सेंटर में चाहिए, पर सेंटर में भी मुझे चाहिए राइट में, तो राइट में आ गया। सेंटर बिल्कुल सेंटर में चाहिए, ये बिल्कुल सेंटर है ऊपर से भी और इधर से भी। ठीक है, उसके बाद मैंने करा सेंटर लेफ्ट, तो सेंटर लेफ्ट हो गया। बॉटम करेंगे सेम, बॉटम लेफ्ट राइट सेंटर। ठीक है, तो ये यहाँ पे तीन हो गए, पर मैं देख सकता हूँ इसमें कोई भी अक्रॉस का ऑप्शन नहीं है, मतलब कोई यहाँ पे अक्रॉस का ऑप्शन नहीं है। आप देख सकते हो अलाइन सेंटर लेफ्ट, सेंटर ये बिल्कुल सेंटर हो गया, यहाँ पे करेंगे ये आ गया। तो इसमें अलाइन अक्रॉस नाम का कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब आपको ये भी पता है किसकी बात कर रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वाला ऑप्शन तो कहीं पे भी यहाँ पे नहीं है। चलो अगला सवाल देखते हैं, तो आंसर इसका आपको बताइए अलाइन एक्रोस नाम का कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ MS Excel 2007। ठीक है, सब में सेम है, देख लेते हैं राइट मिड लेफ्ट सेंटर। अब ये मतलब कोई नहीं यहाँ पे फंक्शन नहीं है, जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक टेक्स्ट का ऑप्शन और है। मतलब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा MS Word का एक टेक्स्ट फंक्शन नहीं है। टेक्स्ट फंक्शन, अभी टेक्स्ट फंक्शन क्या होते हैं? टेक्स्ट फंक्शन होते हैं जो पर्टिकुलरली टेक्स्ट पे काम करते हैं। टेक्स्ट पे मतलब जो ABCD और अल्फाबेट पे काम करते हैं, मतलब सॉरी स्पेशल सिंबल पे काम करते हैं, नंबर पे काम नहीं करते। मैं बात करता हूँ यहाँ पे, अगर मैंने लिखा, मान लेते हैं मैंने एक नाम लिखा सुमित, मैं स्पेस नहीं दे रहा, सुमित कुमार। ठीक है, मैंने एक नाम लिखा, ये थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसे यहाँ पे ताकि दिख जाए आपको। ठीक है, थोड़ा सा ये यहाँ से बड़ा, और मैं यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखूँ ये भी मैं बड़ा कर लेता हूँ। मैं लिखता हूँ इक्वल राइट करते हैं पहले। राइट क्या करेगा? राइट क्या आएगा? आपको टेक्स्ट कौन सा चाहिए? मैं कहता हूँ ये। ठीक है, अब मुझे राइट से कितने कैरेक्टर चाहिए? जैसे कि मान लेते हैं तीन लूंगा तो RAM यहाँ पे आंसर आना चाहिए। ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पे, तो राइट से भैया तीन आ गए, MAR आ गए, मतलब सॉरी। ठीक है, MAR राइट से तीन अक्षर यहाँ पे ही आ गए। ठीक है, मान लेते हैं अगर मैं लेफ्ट कर देता हूँ इसे तो भैया मैं कर देता हूँ लेफ्ट। लेफ्ट से क्या होगा? लेफ्ट यानी कि SUM यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है भैया, अब मान लेते हैं मैं यहाँ पे करता हूँ आपका मिड। मिड क्या होगा? मिड क्या रहेगा कि भैया मुझे बीच में से चाहिए मिड, MID। ठीक है, मैंने लगा दिया था, मैंने कोई बात नहीं, पहले मैंने टेक्स्ट दे दिया। ठीक है, कॉमा स्टार्टिंग नंबर, कहाँ से आपको टेक्स्ट चाहिए? मैं कहता हूँ तीन से चाहिए, मतलब 1 2 3 M से स्टार्ट होगा। कितने कैरेक्टर चाहिए? मैं कहता हूँ दो कैरेक्टर चाहिए। ठीक है भैया, तो एक तो हो गया हमारा ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, एंटर करेंगे यहाँ पे तो मैं देखूंगा M और I आ गया, M एक हो गया और I हमारा दूसरा कैरेक्टर हो गया। पर इसमें जो वो है क्या नाम है COMBIN कॉम्बिन क्या करता है ऊपर ही लिख देता हूँ। ठीक है, इक्वल COMBIN ब्रैकेट ओपन। ठीक है, ये पूछेगा कितने नंबर है, मान लेते हैं मैं कहता हूँ तीन नंबर है। ठीक है, अब उसके पेयर कितने, मान लेते हैं कोई ABC नाम का कोई वो है। ठीक है, मैं उसके कितने वो दो दो के पेयर बना सकता हूँ, ABBC और CA ऐसे बना सकता हूँ। तो यहाँ पे इनने मुझे बता दिया कि भैया पेयर हो गया, कुछ खास फॉर्मूला है नहीं, बस इसमें सवाल आ गया कि टेक्स्ट का फंक्शन कौन सा नहीं है। ठीक है, तो सारे टेक्स्ट के फंक्शन मैं आपको सारे बताऊंगा इसमें, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं MS Word 2007 में टेबल प्रॉपर्टीज के बॉर्डर और शेडिंग विकल्प का उपयोग निम्नलिखित में से किसे अप्लाई करने के लिए किया जाता है। नाम से ही समझ आ रहा है कि भैया जो बॉर्डर, अगर बॉर्डर और शेडिंग का ऑप्शन है तो बॉर्डर और शेडिंग ही यहाँ पे होगी। ठीक है, मार्जिन नहीं होगा, क्या नाम है मेलिंग नहीं होगा, उसके बाद क्या नाम है ओरिएंटेशन नहीं होगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे नहीं होगा, तो यहाँ पे बॉर्डर है, दिखा देता हूँ फिर मैं आपको यहाँ पे। ठीक है, ये मान लेते हैं बॉर्डर है, मुझे कौन सा बॉर्डर यहाँ पे चाहिए, तो ये होता है सेल मार्जिन। सेल मार्जिन के बारे में बताऊँगा डिटेल में। ठीक है, देखो ये यहाँ पे मार्जिन है, मतलब बॉर्डर वगैरह, कौन सा बॉर्डर चाहिए नहीं चाहिए वगैरह कहाँ से, ये है बॉर्डर का ऑप्शन। ठीक है, अगला देखते हैं सवाल क्या है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध ईमेल एड्रेस नहीं है। भाई देख लेते हैं यहाँ पे, ईमेल मान लेते हैं rahul@gmail.com हो सकता है, 123@gmail.com बिल्कुल हो सकता है, rahul.@gmail.com बिल्कुल हो सकता है, लेकिन खाली मतलब ब्लैंक एट द रेट नहीं हो सकता है, फिर अंडरस्कोर नहीं हो सकता, क्योंकि ईमेल में क्या होता है हम फुल स्टॉप यूज़ कर सकते हैं केवल, ठीक है, और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हम यूज़ नहीं कर सकते, अल्फाबेट यूज़ कर सकते हैं, नंबर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम ब्लैंक नहीं दे सकते, और इसके अलावा कोई मान लेते मैं अंडरस्कोर भी दूँ तो अंडरस्कोर भी यहाँ पे नहीं आएगा। तो यही है यार, 10 सवाल हो चुके हैं, अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो अगले जो सवाल आएंगे, इफ़ इन केस कोई भी डाउट रह गया हो, कुछ पूछ रहा हूँ या फिर कुछ बताना हो तो नीचे कमेंट करके बता देना। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।